कर्मों के ही द्वारा आदमी की पहचान होती है दोस्तों, वरना एक ही नाम के तो हजारों लाखों लोग होते हैं। हिमालय से निकलकर क्या गंगा ने कभी किसी से पूछा कि सागर कितनी दूर है? ठीक उसी तरीके से साथियों, कर्म करते जाइए, फल ऊपर वाला आपके सम्मुख रख देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा, आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो बहुत खास होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जीवन में जो दुख का कारण है वो क्या होता है और कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं, इनका जो भाग्योदय है वो कौन कौन से वर्ष में होता है और इनके जीवन में कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनसे इनको दूर रहना चाहिए, जिनसे इनको रिश्तेदारी नहीं जोड़नी चाहिए, जिनसे इनको रिश्ते नहीं लगाने चाहिए, जिनसे इनको विशेष गाढ़ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। स्वामी ग्रह हैं कुंभ राशि का, वो क्या है? कर्म फलदाता शनिदेव, जो कर्मों का फल देता है, जो आपको जो है, जिसकी खासियत क्या है, जो हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान की वृद्धि करता है कौन? यानी शनि ग्रह। तो शनि क्या है? न्यायप्रिय ग्रह है। शनि क्या है? कर्म फलदाता है और शनि आपके जो है हर प्रकार के कर्मों का फल भी देता है। और शनि कैसा है? न्यायप्रिय ग्रह है। तो शनि जब आपके जो है राशि स्वामी है तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वो कैसे होते हैं? न्यायप्रिय होते हैं, अच्छी सोच वाले होते हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, दयालु होते हैं, अपने मन से आद्र होते हैं, एकांतवासी होते हैं, जल्दी से हर किसी के सम्मुख और हर किसी के सामने अपने ज्ञान का और अपनेपन का व्याख्यान नहीं करते हैं, मितभाषी होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों कि कुंभ राशि के जो जातक हैं इनसे हर कोई जो है पंगा नहीं ले सकता। ये वैसे तो बहुत शांत होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, लेकिन अगर कोई इनको छेड़ दे तो इनसे फिर पीछा भी नहीं छुड़ा सकता। ये जो है अपने जीवन में शांत रहना, एकांत रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इनको कोई जो है कोई गलत करे, इनको गलत पसंद नहीं होता है। इनको जो है साज सज्जा पर विशेष ध्यान इनका रहता है और ये जो है सफाई इत्यादि पे विशेष ध्यान देते हैं। यानी विशेषतर जो है कुंभ राशि के जो जातक हैं वो अपनेपन, यानी इनके तरीके से, मतलब अपने तरीके से ये काम करना चाहते हैं और इनके तरीके से यदि कोई काम ना करे तो उस पर इनको चिढ़ लग जाती है। और कुंभ राशि के जो जातक हैं ये अपने जीवन में इनको जो चाहिए होता है वो इनको मिलता जरूर है, लेकिन टाइम लगता है और एक समय ऐसा आता है कि ये अपने पद तक पहुंच ही जाते हैं, यानी जहां इनको पहुंचना चाहिए वहां ये जरूर पहुंचते हैं, चाहे वो राज सम्मान हो और चाहे वो जो है आपके घर गृहस्थी से रिलेटिव हो, चाहे आपका करियर हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप समय आने पर जो है अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। तो ये इस तरीके की जो युति होती है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए होती है। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो सेल्फ डिपेंड रहना चाहते हैं, सेल्फ रहना चाहते हैं, किसी का एहसान मंद नहीं होना चाहते, किसी से ऋण नहीं लेना चाहते हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो देना तो जानते हैं लेकिन लेने के लिए अगर कभी बहुत ज्यादा वो हो गया, दिक्कत आ गई तो ही ये बड़े मुश्किल से लेना चाहते हैं, वरना लेने की इनकी चाहत नहीं होती है। ये जो है देना तो खूब जानते हैं, यानी जो है किसी पे दया भी खूब कर लेंगे, लेकिन जो है अपने लिए कब क्या करना है ये अपने विचारों से ही एकांतवासी होते हैं, विचार मनन होते हैं, विचार करते हैं और उन विचारों को जो है आगे तुलना देते हैं और उस प्रकार से आगे काम करते जाते हैं।
ये जो है किसी के बहकावे में, कुंभ राशि के जो जातक हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आर्द्र दिल के होते हैं, जल्दी से किसी पे विश्वास कर सकते हैं, और जब ये जल्दी से किसी पे विश्वास करते हैं तो इनको कष्ट मिलता है, इनको दुख मिलता है। यदि ये अपने तरीके से काम करेंगे तो विशेष खुश रहेंगे और आगे भी पहुंचेंगे, और यदि किसी पर विश्वास कर ले तो वहां इनको धोखा मिलता है। इस तरीके के जो है कुंभ राशि के जातक होते हैं। इनको जो है हर किसी के, मतलब ये क्या होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, और हर किसी से मेल जोल में ये थोड़ा सा पीछे रहते हैं, हर किसी को जो है टाइम नहीं दे पाते हैं। उससे क्या होता है कि इनको जो है रिश्तेदारी में, इनके जो है पारिवारिक रिश्तों में कहीं ना कहीं इनको जो है थोड़ा सा मूडी समझा जाता है, घमंडी समझा जाता है, जिस वजह से ये थोड़ा सा जो है पारिवारिक उससे और रिश्तेदारी उससे दूर हो जाते हैं। वहीं साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो भाग्योदय वर्ष है वो कब आपका भाग्योदय होता है, यानी भाग्योदय कब हुआ आपका, कब होता है कुंभ राशि वाले जातकों का भाग्योदय, 27 से 28 साल के बीच में इनका भाग्योदय होना शुरू हो जाता है, और 36 से 38 तक ये सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, भूमि भवन जगह जमीन संपत्ति संतान और नौकरी करियर पदोन्नति इनको सब कुछ मिल जाता है, ये इनके भाग्योदय वर्ष होते हैं, इन वर्षों में ये जो है सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अब वहीं मैं आपको बता दूं कि इनको किन राशि वालों से रिश्ता और नाते में नहीं बंधना चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, यानी मेष कर्क और धनु राशि वालों के साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को जो है रिश्तेदारी नहीं लगानी चाहिए, रिश्ता नहीं करना चाहिए, यारी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, गाढ़ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और आपके प्यार प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, जो आपके जीवन के लिए एक सीख है और बहुत अच्छा भी रहेगा। और यदि आप जो है मेष कर्क और धनु राशि वालों के साथ में संबंध जोड़ते हैं तो बहुत जल्दी आपको दुख की प्राप्ति हो सकती है, कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है और दुख में पड़ सकते हैं, एक समय ऐसा जरूर आएगा। यह भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत हो, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब इनके जीवन में इन राशि से संबंधित दुख जरूर आता है। अब वहीं मैं बात कर लूं कि इनके जो दुख का कारण, कुंभ राशि की जातकों का जो दुख का कारण होता है वो क्या होता है। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो छोटी छोटी बातों को तूल दे देते हैं, छोटी छोटी बातों से जो है मन में ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, और उसी को जो है अपने मन में गुणन करने लगते हैं और उसी में जो है खोए रहते हैं। एक तो पहला कारण ये है। दूसरा जो विशेष कारण है ये इनका डिप्रेशन में आने का भी यही कारण है कि ये अपने मन में जो है विशेष खुशी और विशेष किसी को भाव दे देते हैं, जो इनके दुख का कारण बनता है। यदि कुंभ राशि के जातक किसी को विशेष भाव ना दें, सामान्य तौर पर रहें, तो इनका दुख का कारण नहीं बनेगा। और यदि आप जो है कुंभ राशि वाले किसी को विशेष भाव दे दें, विशेष जो है अपनापन दे दें, तो यही लोग इनके दुख का कारण बनते हैं। और ऐसे लोग जो है ओवरथिंकिंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, दुख का कारण बनता है। और दूसरी चीज़ जो है ये किसी पर जो है अत्यधिक विश्वास करने से भी इनके दुख का कारण बनता है। इनको जब गुस्सा आता है तो ये किसी की नहीं सुनते हैं, इनको समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, ये समझेंगे तो अपने आप की, ये भी इनका थोड़ा सा दुख का कारण बनता है। यदि ये अड़ियलपन अपना छोड़ दें तो कुंभ राशि के बराबर सुखी जीवन किसी का नहीं है। थोड़ा सा जो है इस भाव को आपको मिटाना होगा, अड़ियलपन छोड़ना होगा, तो आप जो है सुखी रहेंगे। कुंभ राशि के जो जातक हैं इनको जो है शनिदेव की विशेष कृपा होती है, नीले रंग से इनको विशेष प्यार होता है, प्यार प्रेम के साथ में आगे बढ़ना जानते हैं और अपने जीवन को बखूबी निभाते हैं, और ये जो है भगवान भक्त होते हैं, भक्ति करते रहते हैं, जिस वजह से जो है इनका जीवन सरलतापूर्वक चलता है। थोड़ा सा अड़ियलपन और गुस्सैलपन यदि ये छोड़ दें और विश्वास करना छोड़ दें तो इनका जीवन धन्य रहेगा, अच्छा रहेगा। तो कैसे लगी साथियों आपको वीडियो, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। राधे राधे।